हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथुड़ो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, हीरो कंपनी ने अपनी एक्सट्रीम 160R 4V के 2024 मॉडल को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हीरो एक्सट्रीम 160R 4V के अंदर कब ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। तो लो भाई, कंपनी ने अपनी हीरो एक्सट्रीम 160R 4V के अंदर ड्यूअल चैनल ABS दे दिया है 2024 मॉडल के अंदर। बाकी वीडियो में अपन बात करेंगे कि इसमें क्या क्या और अपडेट किए गए हैं। मेनली मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 5 अपडेट किए गए हैं, जो कि वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा प्राइस कितना इंक्रीज हो चुका है वो भी वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट इसके न्यू कलर के अंदर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें अब आपको न्यू कलर ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कलर आपको मैट ब्राउन और मैट ग्रे कलर टाइप में देखने को मिलता है। बाकी गोल्ड में आपको जगह जगह ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। सेकंड अपडेट इसके टेल लाइट के अंदर किया गया है। अब इसमें आपको न्यू डिज़ाइन के अंदर टेल लाइट दी गई है, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी तीसरा अपडेट इसके सीट के अंदर किया गया है। पहले कुछ इस तरह की आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको इसमें सिंगल सीट दे दी गई है। बाकी इसमें फोर्थ अपडेट इसके ब्रेकिंग सिस्टम में किया गया है दोस्तों। अब इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। पहले की बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता था। कई भाइयों के कमेंट आते थे कि यार इसमें कब डुअल चैनल ABS आएगा, कब आएगा। तो भाई उनके लिए ये अपडेट काफ़ी खास हुआ है। बाकी इसमें लास्ट अपडेट, पांचवा अपडेट किया गया है इसमें, पैनिक ब्रेक अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप पैनिक होके ब्रेक लगाते हैं तो जो इसके इंडिकेटर हैं चारों वो ब्लिंक करने लग जाएंगे, जिससे कि जो पीछे राइड कर रहा होगा राइडर, उसे पता लग जाएगा कि ये बाइक वाला पैनिक होकर ब्रेक लगाया है। तो वो भी अपने ब्रेक्स को, गाड़ी को कंट्रोल कर पाएगा, जिससे कि आपस में गाड़ियां भिड़ेंगी नहीं। इसके अलावा जो इंजन है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फीचर्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, फीचर्स भी आपको सेम ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि इसके प्राइस कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों अब इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 1,70,000 रुपये से लेके 1,72,000 रुपये के बीच में, जो कि मैं इसका ऑन रोड प्राइस आपको बता रहा हूँ। और 1,70,000 से 1,72,000 इसलिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग RTO वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह लगते हैं और अदर चार्जेस लगते हैं, उस हिसाब से आपको लगभग 1,70,000 रुपये तक तो दिल्ली के अंदर प्राइस देखने को मिलेगा। और अदर जितने भी स्टेट हैं उनमें 1,71,000 या 1,72,000 तक लास्ट आपको ये बाइक अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बाइक का अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। बाकी अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।